लोकसभा से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल पारित हो गया। हमारे साथ है कांग्रेस ने चूंकि इस बिल पर चर्चा की मांग की थी लेकिन चर्चा नहीं हुई। सर क्या कहेंगे, बिना चर्चा के ये बिल पारित हो गया? ये बड़ी दुख की बात है। जब कानून बने थे तब भी इन्होंने ऐसे ही पारित कर दिए थे, जैसे राज्यसभा में 22 वोट करवा दिया था। वही हालात अब हैं, जब फार्म बिल वापस लेने की रिपील बिल आया तो हमने सब ने मांग की, सुबह का अडजमेंट मोशन भी डाला है कि इसको एक चर्चा होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष देश सुने कि बिल वापस क्यों होना पड़ा और क्या क्या त्रुटियां थी, क्या क्या त्रुटियां नहीं थी जो सरकार ने एक साल लोगों को रोड के ऊपर बैठा के रखा, लोगों को संघर्ष करना पड़ा, उसके ऊपर हमने चर्चा मांगी। और हम अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग हैं, कोई वाईएसआर, कुछ इनके कुछ सहमति वाले लोग हैं, वो तख्तियाँ लेकर अंदर चले गए वेल में, तो उनको बोला गया आप सीट पे जाओ। हमने बोला सर हम तो सीट पे हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है वो सब सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप इसमें उनको छोड़ो, आप चर्चा करो। जब लास्ट सेशन था तो तब तो हम एक एक दिन पूरा चलाते थे, तो आप प्रश्नकाल भी चलाते थे, जीरो आवर भी चलाते थे, आप बिल भी पास करते थे, उस पर डिबेट भी होती थी। आज तो कुछ भी नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि जो कानून वापस लेने वाला बिल होता है उसमें साधारणतया नॉर्मली चर्चा नहीं होती, आप लोग चर्चा में क्या बताने वाले? होती है, बिल्कुल होती है, ये परंपरा है, ये झूठ बोल रही है देश से सरकार। हम यही कहना चाहते थे जो 700 के करीब किसानों की जान जा चुकी है, उनको मुआवजे की बात होगी, उनके बच्चों का भविष्य की बात होगी, जो पर्चे दर्ज हुए हैं उनके ऊपर, जो गलत पर्चे हुए हैं उनको वापस लेने की बात होगी, और साथ साथ पंजाब के बड़े मसले हैं, जैसे पंजाब में अभी धान की खेती का बहुत मुश्किल है, पानी नीचे जा रहा है, हमें MSP चाहिए कुछ ऐसी फसल के ऊपर जो सरकार उठाने की बात करे और उनका इंश्योर करे कि कितने पैसे वो दे सकती है। उसके साथ साथ पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है सरकार, उसके जो इतना बड़ा किसान अब वहाँ बैठा हुआ था, उसके 85% किसान तो कर्ज के नीचे दबा हुआ है, तो उसके लिए सरकार कुछ MSP पर आप लोग गारंटी की मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग अभी जारी रहेगी? बिल्कुल, वो तो देखो जब तक वो मसला हल नहीं होता वो तो मांग तो जारी रहेगी, लेकिन सरकार ने एक गैर कानूनी तरीके से बिल फिर पारित किया है, जैसे पहले सदन में करते किया है, लास्ट सदन में इन्होंने ये गलत बिल पास किए। अब सरकार को देश को बताना चाहिए था, विपक्ष गलत था जहाँ पक्ष गलत था, सरकार गलत थी जहाँ हम गलत थे। सरकार तो कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पर, फिर बिल वापस ना लेते, हम तो फिर पहले भी कर रहे थे, आप बिल रहने देते क्यों वापस लिए हैं? ये सरकार कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है, लोगों को कुछ बताती है। प्रधानमंत्री जी बार बयान दे रहे हैं कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, जब बिल आया है वहाँ लिखा गया है कि चर्चा होने के बाद बिल पास होगा, वहाँ जो लाइन है ना, कंसल्टेशन के बाद बिल पास होगा, कंसल्टेशन तो ली ही नहीं किसी की, ना आपने बताया क्यों बिल रिपील रहे हो, देश को बताया आपने कि ये बिल क्यों वापस ले रहे हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने एक वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे यही बोला ना कि हमें ये खेद है, लेकिन खेद क्यों था, क्या त्रुटियां थी, देश को बताना चाहिए, दिक्कत किस बात में है, लेकिन भाग गई है सरकार इस बात से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा से भाग गई है सरकार, ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद। प्रशांत, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।